डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टडी जोन। तो आज हम लोग क्लास 8 का जो सेकंड चैप्टर है, दैट इज़ एक्सपोनेंट। तो हम लोग एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे, राइट। सो पहला जो चैप्टर था इसका, रेशनल नंबर्स, दैट वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड एंड दैट हैज़ बीन अपलोडेड इन द वीडियो। तो जो स्टूडेंट्स जो है इस चैनल पर नए हैं, वो पार्ट वन जो है, आई मीन चैप्टर वन का जो थ्री पार्ट जो पहले से अपलोडेड है, पहले उसको देख लें और उसके बाद जो है चैप्टर टू देखें, राइट। सो लेट अस स्टार्ट, दैट इज़ अबाउट द एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट है क्या? तो हमारे पास कुछ, अब हमारे पास कुछ टर्म्स होगा, जैसे कि पावर, एक्सपोनेंट और बेस, ये कुछ टर्म्स है जिसको हम लोग समझेंगे इसको, राइट। तो सपोज़ हम क्या कर रहे हैं, 5 × 5 × 5 × 5, सपोज़ हमारे पास इतने 5 5 5 सबको मल्टीप्लाई करना है। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जितना आएगा फिर उसको फर्दर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड फर्दर इट विल बी मल्टीप्लाइड विद 5। इसका मतलब क्या है कि 5 जो यहाँ पे है वो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 times मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम पूरे एक्सप्रेशन को 5 जो 4 times मल्टीप्लाई हुआ, इसी को इक्वेलेंटली लिख सकते हैं, 5 रेस्ट ऊपर टॉप पे लिखते हैं पावर 4। इस मतलब अभी के लिए से समझना है कि जो बेस, मतलब ये 5 जो है जितनी बार मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ पे कौन नंबर जो बार बार रिपीट कर रहा है, कौन सा फैक्टर जो बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है, वो तो 5। तो हम इसको 5 लिख देंगे। और कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ, नंबर ऑफ टाइम्स, तो जितना नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होता है उसको लिखते हैं टॉप पे। तो इसको लिखते हैं इस तरह से, तो 4 times हुआ तो 4। अब ये एक्सप्रेशन में ये पूरा 5 और ऊपर जो टॉप पे 4 है, इसको पढ़ते क्या है, कौन सा टर्म क्या कहलाता है? तो यहाँ पे जो है 5 जो है नीचे जो बॉटम पे जो होता है इसको बोलते हैं बेस। जो बॉटम पार्ट में होगा उसको क्या बोलेंगे, बेस। और जो टॉप पार्ट पे होगा उसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। उसको क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंट। मतलब बॉटम बोलते हैं बेस और टॉप वाले पार्ट को बोलते हैं एक्सपोनेंट, करेक्ट। और ये जो होल एक्सप्रेशन है, ये जो होल एक्सप्रेशन है विथ बॉटम एंड टॉप, बॉटम और टॉप मतलब बेस और एक्सपोनेंट, ये पूरे एक्सप्रेशन को बोलते हैं क्या, पावर। इसको क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान रखना है कि पावर का मतलब क्या है, एन एक्सप्रेशन दैट रिप्रेजेंट्स रिपीटेड मल्टीपल्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेम फैक्टर। सेम फैक्टर का जब रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन होता है, बार बार मल्टीप्लाई होता है, उस पूरे एक्सप्रेशन को बोलते हैं पावर। तो यहाँ पे देखो 5 को 4 times मल्टीप्लाई किया गया, तो इसको लिख सकते हैं 5 रेस्ट टू एक्सपोनेंट 4 है। इसका मतलब पूरे एक्सप्रेशन को पावर बोलेंगे, 5 को बोलेंगे बेस और 4 को बोलेंगे एक्सपोनेंट। लेकिन हम लोग जनरली क्या करते हैं, इसको 5 का पावर 4 भी पढ़ते हैं, या 5 raised to the power 4 भी पढ़ते हैं, ठीक है। नाउ अब हमारे पास सपोज इस तरह से -3 × -3 × -3 है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कौन सा फैक्टर बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -3 रिपीटिंग मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब कि हम लोग -3 और इसका एक्सपोनेंट कितना लिखना पड़ेगा, तो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 times। तो इसका मतलब कि पावर पे एक्सपोनेंट पे 3 पुट करना पड़ेगा, तो -3 raised to the power 3 इस तरह से लिखेंगे, क्लियर। तो जब हमारे पास रिपीटेशन मल्टीप्लीकेशन दिया रहेगा तो इस तरह से लिखेंगे पावर के फॉर्म में। लेकिन सपोज अगर पावर 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये समझना है कि 7 कितने बार मल्टीप्लाई हुआ होगा, 4 times। तो इसका मतलब 7 × 7 × 7 × 7, ठीक है। तो दोनों 2 and 4 से भी समझो, इस तरह से रहेगा तो ये फॉर्म लिख सकते हैं, अगर ये फॉर्म रहेगा तो ये लिख सकते हैं। तो एज पर हमारे रिक्वायरमेंट जो क्वेश्चन में आएगा, देन वी विल डू इन दैट वे ओनली, उसी तरह से हम उसको करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आइए, सेकेंड है -a raised to the power n। यहाँ पे क्या, -a raised to the power n, मतलब यहाँ पे बेस में देखा जाए तो माइनस ऑफ a है, क्या है, माइनस ऑफ a, और उसका पावर है n। तो जैसे कि सपोज -2 का पावर 4, तो यहाँ पे n कितना है, 4 है, बेस कितना है, -2। इसका मतलब -2 कितने बार मल्टीप्लाई होगा, 4 times। तो -2 × -2 × -2 4 times मल्टीप्लाई होगा। तो इसको सबको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस कितनी बार है, इवन टाइम्स, -2 −−−, मतलब कितनी बार, 1 2 3 4 4 times है। तो माइनस और माइनस ये मल्टीप्लाई होगा, प्लस फिर नीचे वाला दो माइनस। अच्छा, इसको हम अलग से एक्सप्लेन करते हैं सो दैट इट विल बी क्लियर फॉर यू। हाँ, जैसे कि -2 raised to the power 4 है, इसका मतलब क्या है कि -2 × −2 × −2 × −2, राइट, इस तरह से। तो ये दोनों माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस दे देगा, फिर ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस दे देगा। तो प्लस प्लस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फर्दर प्लस, अब मल्टीप्लाई करो, 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 16, मतलब 16 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि प्लस 16 देगा। दैट मीन्स अगर बेस निगेटिव है और उसका एक्सपोनेंट इवन है, यहाँ 4 क्या इवन है, तो जब भी इवन
एक्सपोनेंट होगा, इवन एक्सपोनेंट होगा, क्या होगा, इवन एक्सपोनेंट होगा, तो जो रिजल्ट आएगा, जो वैल्यू आएगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव निकलेगा। क्या निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा। और माइनस टू का पावर सपोज 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, माइनस टू का पावर 3, मतलब माइनस टू कितने बार, 3 टाइम्स, माइनस टू इंटू माइनस टू इंटू माइनस टू। तो यहाँ पे देखिए तो फर्स्ट दो मल्टीप्लाई होकर क्या दे देगा, माइनस माइनस प्लस, अब प्लस फिर माइनस माइनस, और टू टू जा फोर टू जा एट, तो माइनस एट, मतलब माइनस आएगा, निगेटिव आएगा। मतलब कि अगर एक्सपोनेंट ऑड रहेगा, एक्सपोनेंट क्या है, ऑड, 3 क्या है, ऑड है ना, तो जब एक्सपोनेंट ऑड रहेगा तो रिजल्ट क्या आएगा, निगेटिव आएगा। क्लियर, आई होप ये सबको समझ आ गया होगा। नाउ तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि अगर माइनस ए का पावर एन है, अगर एन इवन होगा तो क्या होगा, सिंपली ए का पावर एन लिख देंगे, अगर ऑड होगा तो माइनस ए का पावर एन। इसका मतलब क्या है, इस तरह से माइनस टू का पावर अगर 4 रहेगा तो हम लोग इसको सिंपली माइनस को हटा के डायरेक्ट 2 का पावर 4 भी लिख सकते हैं, अगर माइनस टू का पावर 3 है तो इसको माइनस बाहर में रख के और 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, ये दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे यू कैन सी, माइनस टू माइनस टू माइनस टू माइनस टू, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ तो 16 देगा, या इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 4। फिर उसी तरह से माइनस टू माइनस टू माइनस टू कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, तो ये सबको प्रोडक्ट करोगे, माइनस टू इंटू माइनस, देखो माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस, तो प्लस इंटू प्लस प्लस, फिर माइनस, तो माइनस हो जाएगा। और 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 32, तो माइनस को बाहर रख लो और 32 को करोगे फैक्टराइज, तो ये आ जाएगा 2 का पावर 5। तो यू कैन सी यहाँ पे माइनस टू का पावर होल 5 था, दैट इज़ इक्वलेंट टू, ऑड पावर है तो ऑड रहेगा, तो माइनस बाहर ले लेना है बेस का जो, और 2 का पावर 5, इस तरह से लिख सकते हैं, तो इक्वलेंट होता है, राइट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट ऑफ ए रेशनल नंबर। एक रेशनल नंबर का एक्सपोनेंट जो होगा पॉजिटिव होगा। अब जैसे कि यहाँ पे a बाई बी का पावर 3, a बाई बी का पावर 3, तो यहाँ पे देखो a बाई बी, अब यहाँ पे ये पूरा एक जो रेशनल नंबर है ना, a बाई बी का फॉर्म, प्रीवियस जो चैप्टर है हमने पढ़ा था, रेशनल नंबर को a बाई बी के फॉर्म में लिखते हैं, वेयर a भी इंटीजर, b भी इंटीजर, और b डज नॉट इक्वल टू 0, करेक्ट। तो यहाँ a बाई बी जो है पूरा बेस की तरह है, तो यहाँ पे अगर इसका एक्सपोनेंट देखें, दैट इज 3, एक्सपोनेंट कितना है 3, और 3 क्या है, पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब कि जब एक पॉजिटिव एक्सपोनेंट होगा तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं, जैसे इसको a का पावर 3 बाई बी का पावर 3, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर नहीं समझ आया तो इसको हम फिर से एक्सप्लेन करते हैं, जैसे समझो एग्जांपल समझते हैं, सपोज 2 अपॉन 3 का पावर 2 है, तो यहाँ पे जो हमारे पास बेस है वो क्या है, 2/3, और जो एक्सपोनेंट है 2 है, 2 क्या है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं इसको 2/3 का मतलब पावर 2 का मतलब क्या, 2/3 कितने बार मल्टीप्लाई होगा, 2 बार, तो 2/3 इंटू 2/3। इसको फर्दर हम ये नहीं लिख सकते 2 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू 3, ऐसा लिख ही सकते हैं, क्लियर। अब ये 2 इंटू 2 का मतलब क्या, 2 का पावर 2, और 3 इंटू 3 का मतलब क्या, डिनोमिनेटर में 3 का पावर 2, तो दैट मीन्स हमें क्या रिजल्ट आया कि 2/3 का पावर 2 है, इसका मतलब हम इसको न्यूमरेटर को भी पावर 2 दे सकते हैं और डिनोमिनेटर को भी दे सकते हैं, मतलब सिंपली लिख सकते हैं 2 का पावर 2/3 का पावर 2, तो वही चीज़ ने यहाँ पे आया था, करेक्ट। मतलब हम लोग इंडिविजुअली पुट कर सकते हैं, तो यही चीज़ है, हम लोग इसको 2/2 नहीं, यहाँ पे आपको दिया है a बाई बी के जनरल एक्सप्रेशन दिया कि a बाई बी का पावर अगर n है तो हम लोग इसको अलग अलग लिख सकते हैं, a का पावर n बाई बी का पावर n ऐसे लिख सकते हैं, करेक्ट। तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीग्रल पावर एक्सपोनेंट। नाउ अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं, जैसे 2/3 का पावर 4 दिखा, जैसे यहाँ पे है, तो ये चीज़ तो गया, कितने बार 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया, फिर न्यूमरेटर को सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर को सबके साथ, फिर इसको ये लिखा गया 2 का पावर 4, 3/4, और सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये सिंपल है। नाउ अब हम लोग मूव करते हैं, दैट इज नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट ऑफ ए रेशनल नंबर। एक रेशनल नंबर का जब एक्सपोनेंट क्या हो, नेगेटिव हो, तब उसको हम लोग कैसे करते हैं, तो जैसे कि सपोज हमारे पास है 2/3 रेज़ टू द पावर माइनस 2, ठीक है। तो ये आप जो है क्लास 7th में लॉज पढ़ा होगा, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में, यहाँ भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले कि हम लोग क्लास 7th का याद करो कि अगर a रेज़ टू द पावर माइनस 1 है, a रेज़ टू माइनस 1 है, तो अगर नेगेटिव एक्सपोनेंट होता है तो इसको हमको अगर पॉजिटिव एक्सपोनेंट बनाना है तो क्या करना पड़ता है, रेसिप्रोकल लेना पड़ता है, मतलब 1/a का पावर माइनस 1 है, इसका मतलब कि पॉजिटिव बनाना एक्सपोनेंट, तो इसका मतलब कि इसको न्यूमरेटर में तो इसको डिनोमिनेटर भेज देंगे, तो a का पावर 1 हो जाएगा, ऊपर 1 हो जाएगा। जैसे सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अगर सपोज a का पावर माइनस 2 है, a का पावर माइनस 2 है,
तो इसका अगर पोस्ट एक्सपोनेंट देखो तो माइनस टू निगेटिव है, तो पॉजिटिव बनाना है, इसका मतलब रेसिप्रोकल ले लेंगे, मतलब नीचे आ जाएगा, तो ए का पावर टू हो जाएगा, करेक्ट। उसी तरह से एक और एग्जाम्पल देखते हैं, अगर सपोज हमारे पास वन अपॉन ए का पावर माइनस थ्री है, अब यहाँ पे देखो बेस ए है, एक्सपोनेंट कितना माइनस थ्री है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट बनाएंगे, तो ये कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा, तो न्यूमरेटर जाएगा, इसका मतलब ए का पावर थ्री हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव एक्सपोनेंट बनाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो नीचे रेसिप्रोकल का मतलब क्या, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर भेजना है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर भेजना है, करेक्ट, तो इससे हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ दिया है आपको कि अगर सपोज हमारे पास है a by b raised to the power minus n, a by b raised to the power minus n है, तो पहली बात तो हम लोग जस्ट अभी पीछे वाला देखे थे, तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, a का पावर माइनस n by b का पावर माइनस n, अलग अलग एक्सपोनेंट दे सकते हैं। अब यहाँ पे देखो a का एक्सपोनेंट जो नेगेटिव है, b का भी एक्सपोनेंट नेगेटिव है, तो a का एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाएंगे, तो इसको नीचे भेजना पड़ेगा, a को नीचे भेजना पड़ेगा, तो यह आ जाएगा a का पावर n, तो पॉजिटिव बन जाएगा, और b नेगेटिव है तो इसको ऊपर भेजना पड़ेगा, सो दैट कि पॉजिटिव बन जाएगा, तो b का पावर n हो जाएगा। तो दैट मीन्स हम क्या किए, b का पावर n बाई a का पावर n। अब इसको फर्दर जो है, ये जो फर्दर हमारे पास है, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, इसको हम लोग लिख सकते हैं b बाई a इसका होल पावर n, क्योंकि दोनों का एक्सपोनेंट सेम है, तो हम लोग सेम एक्सपोनेंट के अंदर पुट कर सकते हैं b बाई a के पावर n। दैट मीन्स हमने क्या पाया कि अगर a बाई b का पावर अगर माइनस n है, एक बाई बी का पावर माइनस एन है, तो इसको हम लोग इक्वेलेंटली लिख सकते हैं, इसको इंटरचेंज कर देना है, बी को न्यूमरेटर में, ए को डिनोमिनेटर में, और एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, बी बाई ए होल पावर एन, ठीक है, तो दोनों इक्विवेलेंट है, ओके। नाउ तो ये चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, अगर ए बाई बी का पावर माइनस एन है, तो हम इसको लिख सकते हैं बी बाई ए का पावर एन पॉजिटिव एक्सपोनेंट। जैसे सपोज एग्जाम्पल समझते हैं, हमारे पास है थ्री बाई फाइव रेज टू पावर माइनस फाइव है, थ्री बाई फाइव का पावर कितना है, माइनस फाइव है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, थ्री बाई फाइव का पावर माइनस फाइव है, तो इसको हम लोग या तो प्रोसेस वाइज करेंगे या फिर डायरेक्टली कर सकते हैं, कि जब यहाँ पे निगेटिव एक्सपोनेंट रहेगा, निगेटिव एक्सपोनेंट रहेगा, तो जो बेस का टर्म है उसको क्या कर सकते हैं, हम लोग रेसिप्रोकल कर सकते हैं, तो डायरेक्ट फाइव बाई थ्री का पावर और पॉजिटिव एक्सपोनेंट कर देना है, या माइनस फाइव था तो प्लस फाइव हो जाएगा, जब ये जैसे ही मेरा बेस क्या होगा, इंटरचेंज किया, क्लियर, इस तरह से। उसी तरह से यहाँ पे ये लॉ कौन सा यूज़ किया गया, तो क्लास सेवेंथ का लॉज आपने पढ़ा होगा, एक्सपोनेंट में ए रेस्ट पावर माइनस एन है, दैट इज इक्वेलेंट टू वन अपॉन ए, इस तरह से कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे टू का पावर माइनस थ्री है, तो इसको लिख सकते हैं वन अपॉन टू का पावर थ्री, या फिर वन बाई टू का पावर थ्री, क्योंकि वन का एक्सपो थ्री पुट करेंगे, पावर कुछ पुट करोगे तो वन ही रहेगा, तो वन बाई टू का पावर थ्री, एक ही चीज़ है। नाउ अब हमारे पास है ए बाई बी रेस्ट द पावर जीरो इक्वल टू वन। आपने पढ़ा था क्लास सेवेंथ में कि किसी भी बेस का पावर अगर हम लोग जीरो लेंगे तो उसका वैल्यू हमेशा कितना होगा, वन। तो वो चीज़ें यहाँ पे अब रेशनल के फॉर्म में आया है, ए बाई बी का पावर जीरो इक्वल टू वन, इसको शो करना है कि कैसे होता है। तो सपोज हम एल एच एस लेके प्रोसीड करते हैं, ए बाई बी का पावर जीरो है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पावर जीरो है तो हम पावर जीरो है तो इसको हम टू माइनस टू भी तो लिख सकते हैं, ए बाई बी का ए बाई बी, और एक्सपोनेंट में टू माइनस टू तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि टू माइनस टू सब्ट्रैक्ट होकर फिर जीरो आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा। अब क्वेश्चन तुम्हारा ये भी हो सकता है कि सर टू माइनस टू ही क्यों लिख सकते हैं, थ्री माइनस थ्री नहीं लिख सकते, फोर माइनस फोर नहीं लिख सकते, हाँ फोर माइनस फोर, थ्री माइनस थ्री, टेन माइनस टेन, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन दोनों का दोनों सेम रहना चाहिए, तभी तो दोनों का सब्ट्रैक्शन जीरो आएगा, करेक्ट। तो हमने लिख दिया है टू माइनस टू। अब याद करो यहाँ ए बाई बी क्या है, बेस है, और पावर जो है टू माइनस टू क्या है, वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, पावर सब्ट्रैक्ट होता है। पावर कब सब्ट्रैक्ट होता था, तो लॉज में याद कीजिए कि जब ए का पावर एम डिवीज़न ए का पावर एन, मतलब जब बेस क्या हो, सेम हो, बेस सेम हो और डिवीज़न में होता है तो पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते, तो इसका मतलब ए का पावर एम माइनस एन। तो जब इस तरह से रहेगा तो ये लिख सकते हैं, तो क्या ये रहेगा तो ये नहीं लिख सकते क्या, एक ये भी लिख सकते हैं कि अगर कोई बेस होगा और पावर सब्ट्रैक्टेड होगा, इसका मतलब कि हम लोग अलग अलग बेस के साथ डिवीज़न में लिख सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर ए का पावर एम माइनस एन है, तो इसको हम समझ सकते हैं कि पावर सब्ट्रैक्टेड है, इसका मतलब कहीं ना कहीं बेस सेम रहा होगा, इस तरह से दोनों का बेस ए रहा होगा और बीच में डिवीज़न का साइन रहा होगा, तभी तो ये आएगा। वही चीज़ हम यहाँ कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है, टू माइनस टू है, पावर सब्ट्रैक्टेड है, इसका मतलब बेस अलग अलग, ए बाई बी का पावर टू, डिवीज़न ए का, ए बाई बी का पावर टू। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, डिवीज़न का मतलब क्या, जैसे कि फाइव डिवीज़न थ्री का मतलब क्या होता है, कि फाइव अपॉन थ्री, यही होता है ना, फाइव डिवीज़न थ्री का मतलब फाइव अपॉन थ्री। तो हमने क्या किया, a बाई बी इंटू ए बाई बी, क्योंकि टू टाइम्स पावर इसका एक्सपोनेंट कितना है, टू है, मतलब दो बार मल्टीप्लाई, डिवीज़न मतलब डिवाइडेड बाई, यहाँ डिवीज़न का साइन है, यू कैन सी डिवीज़न का साइन।
नहीं, इसलिए डिवाइड बाई टू बाई, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा आपस में इस तरह से, तो ये कितना जगह वन। तो इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे a बाई बी का पावर जीरो था प्रूफ करने के लिए। आपको क्वेश्चन पूछा सकता है b का पावर जीरो इक्वल टू वन शो कीजिए, या p बाई क्यू का पावर जीरो इक्वल टू वन शो कीजिए, तो कुछ भी इस तरह से पूछा जा सकता है। ओके, लेकिन प्रोसेस सबका क्या रहेगा, यही रहेगा, इसमें कुछ नहीं, प्रोसेस वही है। एक्सपोनेंट को क्या करना है, सेम करके सब्ट्रैक्ट करके, या फिर जो डिवीज़न का लॉज होता है उसको यूज़ करके हम लोग प्रोसीड करेंगे। ओके, सो आई होप ये क्लियर है। नाउ अब हम लोग कुछ लॉज देखते हैं कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में क्या क्या है, दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास सेवन ऑलरेडी पढ़ रखे हो, लेकिन वहाँ पे क्या था, एक इंटीजर के फॉर्म में था, और यहाँ पे क्या है, रेशनल नंबर के फॉर्म में होगा, करेक्ट। नाउ अब क्या, लेट ए बाई बी बी एनी रेशनल नंबर, कोई ए बाई बी इस तरह से, जैसे कि 2/3 -5/3, ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, हमने इसको डिस्कस कर रखा है चैप्टर वन में। तो जिनको समझ में नहीं आता ए बाई बी क्या है, तो एक बार पहले उसको पढ़ लें। नाउ तो ए बाई बी कोई रेशनल नंबर है, एंड एम एंड एन बी एन इंटीजर, एम और एम क्या है, एम और एन क्या है, इंटीजर है, कोई ना कोई इंटीजर है, इंटीजर का मतलब 3, 2, -5, -7 इस तरह से कुछ भी। अब यहाँ पे देखिए पहला लॉस, ए बाई बी का एक्सपोनेंट m इंटू साइन, फिर a बाई बी का एक्सपोनेंट n, मतलब बेस देखो a बाई बी बेस दोनों का सेम है, एक्सपोनेंट कितना है m और n है, और दोनों के भी साइन क्या है, मल्टीप्लाई, मतलब जब बेस सेम होता है, बेस सेम होगा और मल्टीप्लाई का साइन हो बीच में, इसका मतलब क्या कर देना है, सेम बेस के साथ दोनों पावर को ऐड कर देना है m प्लस n। तो वही चीज़ किया गया, बेस सेम है मल्टीप्लीकेशन में, तो पावर ऐड जाएगा। इन द सेम वे यहाँ पे है a बाई बी का पावर m, फिर डिवीज़न a बाई बी का पावर n, तो यहाँ पे देख सकते हो डिवीज़न साइन है और बेस सेम है, तो पावर क्या करते हो, सब्ट्रैक्ट, तो a बाई बी बेस हो जाएगा और m माइनस साइन हो जाएगा, पावर सब्ट्रैक्टेड। उसी तरह से फिर a बाई बी इसका पावर m, a बाई बी का पावर m, और फिर क्या है, इसका होल पावर n है, मतलब पावर का पावर है ना, तो जब पावर का पावर होता है तो क्या करते हैं, मल्टीपल पावर तो सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a बाई बी और m इंटू n हो जाएगा, ठीक है। इसको एक बार एक्सप्लेन करते हैं। सपोज़ हमारे पास 2/3, इसका पावर 7, फिर इसका पावर 2, और फिर इसका पावर 3 है, सपोज इस तरह से है, मतलब बेस 2/3 है, फिर इसका एक्सपोनेंट 7 है, फिर क्या है, इसका एक्सपोनेंट 2, फिर इसका एक्सपोनेंट 3। तो यहाँ पे जब एक बेस हो और मल्टीपल पावर हो, तो क्या करते हैं, एक ही बेस को लेते हुए सभी पावर को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 7 × 2 × 3 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। विद द सेम बेस वी विल मल्टीप्लाई ऑल द एक्सपोनेंट, सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 7 × 2 = 14, 3 = 42, दैट मीन्स यू विल 2/3 रेस्ट वर 42, तो ये इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। तो मल्टीपल पावर रहेगा तो सिंपली क्या करना है, सबको मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, नाउ कम टू फोर्थ लॉस, a बाई बी इंटू सी बाई डी होल पावर n है, तो यहाँ पे देखो दो बेस मल्टीप्लाइड में है और पावर एक ही है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग बेस के साथ सेम पावर दे सकते हैं, मतलब a बाई बी का पावर n, फिर c बाई डी का पावर n। ओके, नाउ उसके बाद है फिफ्थ लॉस, a बाई बी होल डिवाइड बाई सी बाई डी, इसका पावर फिर क्या, एक्सपोनेंट कितना है, 9 n है, तो n है, इसका मतलब कि हम लोग पहले a बाई बी का एक्सपोनेंट n दे सकते हैं और फिर c बाई डी का एक्सपोनेंट n दे सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, राइट। अभी फिर सिक्स्थ है, a बाई बी रेस्ट द पावर माइनस n है, तो अभी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि जब निगेटिव एक्सपोनेंट होगा तो पॉजिटिव बनाएंगे, तो क्या कर सकते हैं, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, तो b बाई a और इसका पावर कितना हो जाएगा, प्लस n, तो b बाई a का पावर n हो जाएगा। और एक जो लास्ट है, दैट इज़ a बाई बी एक्सपोनेंट जीरो, मतलब अगर बेस a बाई बी है और इसका एक्सपोनेंट अगर जीरो है, तो इसका वैल्यू हमेशा कितना होगा, 1 होगा, एंड वी हैड डिस्कस्ड एंड वी हैड ऑल्सो प्रूव दिस वन, इसको हम लोगों ने प्रूव भी किया है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, तो आप लोग क्या करना है, एक बार फिर से थ्रू आउट जाना है, और नेक्स्ट पार्ट में जो है हम लोग इस पर क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन अच्छे से हो रहेंगे, और लॉज जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, अनटिल अनलेस यू वॉन्ट हैव द मेमोराइजेशन ऑफ लॉज अगर दिमाग में नहीं रहेगा, यू वॉन्ट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। सो आप लोग क्या करना है, टिल देन द सेकेंड पार्ट विल कमिंग, यू हैव टू जस्ट मेमोराइज ऑल द लॉज, एंड इसका एप्लीकेशन हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।